Those who destroys time, time destroys them. Hi, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube expression Students Club. My dear friends, it's really a potent truth that time is really irreversible. Time once lost can never be come back. It remained only a memory and only a history. Hence, we should always try to utilize every single moment given to us. And my dear friends, our success also largely depends on how wisely, how nicely we manage our time, how intellectually we make the use of our time. तो दोस्तों आज चलिए बिना एक भी पल वेस्ट किए आपको सिखाते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो समय के बारे में आप रोज़मर्रा के कॉन्वर्सेशन में बोल सकते हैं या फिर अगर आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं टाइम की वैल्यू के लिए हाउ टू वैल्यू टाइम हाउ वी कैन मेक टाइम मैनेजमेंट तो उस ऐसे में आप अगर ये वाक्य यूज़ करेंगे तो आपका ऐसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। और अगर आपको अपने किसी जूनियर को हिदायत देनी है एडवाइस देनी है सजेशन देना है तो भी आप ये वाले सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टू स्टार्ट आवर वीडियो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव टेकन अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम इज टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट यानी समय बहुत तेज़ी से फ्लाई करता है उड़ता है यानी बीतता है गुजरता है। टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट इसी को थोड़ा अलग करके बोलना है जैसे कि अमेजिंगली शॉकिंगली अगर आपको बोलना है जैसे आप दो तीन साल बाद या काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं किसी बच्चे को जो उस समय बच्चा हुआ करता था तीन चार साल पहले और अब वो बहुत ग्रो अप हो गया है उस बच्चे को देख रहे हैं तो फिर आप बोल सकते हैं हाउ टाइम फ्लाइज यानी एस्टोनिशिंगली अगर आप बोल रहे हैं सरप्राइजिंगली अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ टाइम फ्लाइज यानी समय देखो कितनी तेज़ी से उड़ता है हाउ टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया है वो है टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड यानी टाइम वंस लॉस्ट एक बार जो टाइम लॉस्ट हो गया ख़त्म हो गया ख़राब हो गया वो कभी भी रिगेन नहीं हो सकता वापस नहीं आ सकता यानी एक बार हाथ से गया समय दोबारा वापस नहीं आता। आई रिपीट वंस अगेन Time once lost can never be regained. Time once lost can never be regained. अगला sentence to move on. हमारा अगला sentence है make the best use of your time. अपने समय का पूरा सदुपयोग करो. Make the best use of your time. Make the best use of your time. Next sentence that I have selected is time is precious. Don't let it go waste. Time is precious. Time बहुत समय बहुत precious है कीमती है Don't let it go waste. इसे waste ना जाने दें बेकार ना जाने दें दोबारा से सुन लीजिए Time is precious. Don't let it go waste. Let it go जो है let के बाद रुकना है it के बाद थोड़ा सा pause देना है फिर बोलना है Don't let it go waste. I repeat once again, time is precious, don't let it go waste. Time is precious, don't let it go waste. Let भी clear होना चाहिए और it भी तो let और it दोनों की clarity को maintain करने के लिए आपको इसमें बीच में रुकना पड़ेगा। अगला sentence जो मैंने लिया है वो है time is irreversible, so we must think twice before wasting it. टाइम इज़ इरिवर्सिबल टाइम समय अचल है यानी कि इरिवर्सिबल है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता जिसे लौटाया पीछे नहीं ले जाया जा सकता इसको दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता यानी समय अचल है इसीलिए हमें इसे वेस्ट करने से पहले कई बार दो बार यानी कई बार सोचना चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन टाइम इज़ इरिवर्सिबल सो वी मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर वेस्टिंग इट Time is irreversible, so we must think twice before wasting it. Next and last sentence that I have selected that is don't procrastinate on tomorrow as tomorrow would never come. Don't procrastinate. Procrastinate का मतलब है टालना मतलब आज का काम कल पर टालना तो कल पर कभी भी कोई काम टालो मत procrastinate ना करो क्योंकि कल कभी नहीं आएगा
ठीक है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन टुमारो एज टुमारो वुड नेवर कम. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन टुमारो एज टुमारो वुड नेवर कम. तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने समय की वैल्यू को रिकग्नाइज करने के लिए आपको दिए हैं. आप इनका यूज़ एक दूसरे को सलाह मशविरा देते हुए कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐसे लिखना हो तो आप कर सकते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, टू एंड अप आवर वीडियो, मैं तो बस आपको यही बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, बिकॉज यू नो ए डिसिप्लिन रूटीन इज़ द रूटीन इन विच वी मेक द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. एंड अगर हमने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है तो दिस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ द वन एंड ओनली की ऑफ आवर सक्सेस. दिस टाइम मैनेजमेंट विल ऑलवेज लीड अस टू सक्सेस इन आवर लाइफ, बोथ ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स एज वेल एज ऑन पर्सनल ग्राउंड्स टू. सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर टाइम. एंड हमने भी अपने वीडियोज़ में हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि स्टूडेंट क्लब के थ्रू जो भी वीडियो आप देखें उसमें आपका एक सिंगल मोमेंट भी वेस्ट ना हो. कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की हम स्टूडेंट क्लब की हमेशा एक कोशिश रही है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हिट ए लाइक. अगर नहीं पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस सो दैट वी मे वर्क ऑन दैट. एंड प्लीज़ share the video with the other students of your community, and please subscribe our channel. Make the best use of your time as time is precious. Keep on smiling, keep on cherishing every single moment given to you. Happy learning. Bye bye.